हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा साउथ की फिल्म यानी कि तमिल फिल्म इरवकु अयरम कंगल। इसका हाल ही में टीजर रिलीज हुआ है। टीजर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चलिए देख लेते किस तरह से इसके टीजर है। मुझे टीजर बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ। SX फिल्म ने इसको प्रोड्यूस किया है और उसके बाद आप देख सकते हो क्राइम सीन दिखाया है। और उसके बाद आप देखोगे तो कोई बंदे ब्लैक मतलब कपड़े में ऐसे कोट में, आई थिंक ये विलन टाइप है रोल इनका। और ये इसमें आगे आप देखोगे जो टीजर में आपको फाइटिंग होती हुई नजर आएगी दो लोगों के बीच में। ये दोनों देखो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। सीन वापस मैं क्लोजली दिखा देता हूँ। ये दोनों क्रॉस होते हुए नजर आएंगे, राइट। ये दोनों मेन एक्टर्स है इस फिल्म में। एक एंटागोनिस्ट है यानी कि नेगेटिव रोल निभा रहा है ये बंदा, और ये पॉजिटिव रोल। तो इस फिल्म में जो एक्टर्स हैं उनका अरुल निथी है, आई थिंक ये टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा है अरुल निथी। और इस फिल्म में आपको बताऊंगा महिमा नाम्बियार भी है जो आगे आपको दिखाएंगे। और आई थिंक अजमल है ये नेगेटिव रोल में जो है। अब तक श्योर नहीं है इस फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये बारिश का मौसम है, मतलब एकदम बारिश के मौसम में शूटिंग की गई है और बहुत ही अनोखा। ये आप देख सकते हैं ये टैक्सी में बैठे हैं एक्टर। और ये आप सीन देखोगे अरुल निथी जो मैंने आपको बताया था इसमें लीड एक्टर है। और उसके बाद कुछ सीन्स और दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा समझने के लिए। भाग रहे किसी को पकड़ने के लिए, ये एक एक्टर है, इनका नाम मुझे तो अभी तक पता ही चला है। ये फाइटिंग हो रही है जो मैं बताया था आपको। तो एक जो एक्शन फिल्म है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग, अब जो एक्ट मैं बताऊँगा देखिए फाइटिंग हो रही है। अब जो बताऊँगा वो लीड एक्टर्स के बारे में मैं बताऊँगा। जी हाँ, ये लीड एक्ट्रेस है यानी कि महिमा नाम्बियार। 2010 में से इन्होंने डेब्यूट किया था तमिल फिल्मों में और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस फिल्म में। नर्स का रोल प्ले कर रही है आपको बता दो, इसलिए आसपास में आपको हॉस्पिटल शायद नजर आता होगा, बेड वगैरह नजर आता होगा इस सीन में। तो ये लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है और कहीं ना कहीं हीरो आपको नजर आएंगे अभी फिल्म में। ये हीरो है अरुल निथी और ये पहली फिल्म है एमयू मारन की। उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की है जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं क्राइम ड्रामा है ये, पुलिस स्टेशन का सीन है ये, क्राइम ड्रामा लग रहा है ओवरऑल मुझे। और मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है इसका, मुझे एक भी वर्ड जो है समझा नहीं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती तमिल। बट ओवरऑल मुझे ये टीज़र बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल देखने लायक है। ये भी एक एक्टर है इसमें, तो माफ़ कर देना अगर मैं किसी एक्टर को पहचानने में ज़्यादा सही नहीं हूँ तो। बट ओवरऑल मुझे फिल्मों का शौक़ है तो आई थिंक ये फिल्म चलेगी। और ये भी एक्टर नज़र आएंगे आपको, आई थिंक यही है अरुण थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ओवरऑल मुझे ये टीज़र अच्छा लगा, एक क्राइम ड्रामा है मेरे हिसाब से ये भी एक्टर। इनका रोल बहुत यूनिक सा लग रहा है मुझे, इनका लुक भी बड़ा यूनिक सा है। तो ओवरऑल ये टीज़र मुझे अच्छा लगा है और देखते हैं ये फिल्म में क्या सामने निकल के आता है। रिलीज़ डेट अभी तक नहीं बताई है मेकर्स ने, तो रिलीज़ डेट बता देंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। मार्च से इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है। एमयू मारन जैसे मैंने कहा उन्होंने लिखी और डायरेक्ट भी की है। तो देखते हैं किस तरह से ये फिल्म नज़र आती है, फिल्म के चीज़ें सामने आती है। फिलहाल से इतना देख के टीजर लग रहा है कि मुझे बहुत तो वो अनुराग कश्यप वाली हिंदी फिल्मों की याद आ गई, जिस तरह से उनकी डार्क वाली फैंटेसी फिल्म होती है, फाइटिंग फिल्म होती है, चाहे गैंग्स ऑफ वजीरपुर हो। अफकोर्स उससे कंपेयर तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्शन और खून खराबा ज़रूर है जैसे अनुराग कश्यप की फिल्में होती हैं। तो आपको ये टीज़र कैसे लगा इरवकु अयरम कंगल का, आप ज़रूर बता सकते हैं। और कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।